नमस्कार, शांतिस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ नींबू का चटपटा अचार। तो अगर मेरे ये अचार की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये आधा किलो नींबू है, इसे अच्छी तरह से धोकर सुखाकर एक नींबू से मैंने चार टुकड़े कर लिए हैं और एक चम्मच नमक और एक चम्मच हल्दी डालकर मैंने इसे एक दिन के लिए रख दिया था। धूप में मैंने इसे नहीं रखा था। अब इसमें मसाले मिलाएंगे। ये एक चम्मच नमक है, एक चम्मच नमक मैंने पहले से डाला हुआ है, एक चम्मच भुना जीरा पाउडर, एक चम्मच भुना सौंफ पाउडर, एक चम्मच भुना मेथी पाउडर, एक चम्मच सरसों पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच हल्दी मैंने पहले से डाला हुआ है, आधा चम्मच काला नमक, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच अजवाइन, एक चम्मच सिरका। सिरके से अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अभी सारे मसाले को मिक्स कर देंगे। ये एक कप सरसों का तेल है, गरम करके ठंडा किया हुआ, और गरम करते समय मैंने इसमें आधा चम्मच हींग डाल दिया था। अब तेल को अच्छी तरह से मिला लेंगे। बाकी तेल को भी हम डाल देंगे। और अच्छी तरह से तेल को मिक्स कर देंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे साफ सूखे जार में भर देंगे। और इसे ढक्कन बंद करके 8-10 दिन के लिए धूप में रख देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। इस अचार को मैंने 7-8 दिन ही धूप में रखा था, उसके बाद मैंने इसे धूप में नहीं रखा। ये 7-8 दिन में ही देखिए कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। मैं इसे बाउल में निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से गल चुका है और ये खाने लायक भी हो गया है। इसे आप रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा अचार बना है। इसे आप आराम से साल भर रख के खा सकते हैं। बस ये अचार तेल में डूबा रहना चाहिए जिससे ये अचार कभी ख़राब नहीं होगा। और अगर मेरी ये अचार की रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।